तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो मोनेटाइजेशन के लिए एक नया अपडेट आया, या बोल सकते हैं नया पॉलिसी को वहां पर रिवील कर दिया गया, उसकी डेट को वहां पर रिवील कर दिया गया कि किस डेट को ये मोनेटाइजेशन एनेबल होगा। तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आपने देखा होगा, कल से आपके YouTube स्टूडियो ऐप्स में जाएंगे, या फिर अगर आप YouTube वाले पेज पे जाएंगे, YouTube डैशबोर्ड पे जाएंगे डेस्कटॉप पे भी, तो वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे लर्न मोन करके एक, आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन आपको अपने YouTube स्टूडियो में भी दिख रहा होगा और वही आपको YouTube डैशबोर्ड पे भी दिख रहा होगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक वहां पर पेज वहां पर ओपन हो जाएगा, जो कि है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूँ, ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या कमाल की नई अपडेट्स की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा गया है, जो हाईलाइटेड है, द आर्टिकल हाईलाइट चेंज टू द यूट्यूब पार्टनर पॉलिसी। यूट्यूब क्या करने वाला है, यूट्यूब की कुछ पार्टनर जो पॉलिसी होती है, अगर जो भी मोनेटाइजेशन है तो उसकी एक पॉलिसी होती है मोनेटाइजेशन के लिए, वो आपको एक्सेप्ट करना होता है तो ही आपका चैनल वहाँ मोनेटाइजेशन होता है। तो YouTube क्या करने वाला है, आने वाले टाइम पे उस पॉलिसी में कुछ अपडेट करने वाला है, या फिर बोल सकते हैं कुछ चेंजेस करने वाला है, तो वो आपको वहाँ पर अपडेट करनी होगी और उसको एक्सेप्ट करना होगा, तो ही आपका YouTube मोनेटाइजेशन कंटिन्यू मोनेटाइजेशन रहेगा। तो ये सबसे पहला अपडेट था, ये आपको इफेक्टेड होने वाला 2023 तक के लिए आपको वहाँ पर इफेक्ट हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा जनवरी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। उसमें YouTube शॉर्ट्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स आउट किए गए, तो इसलिए आपको वो अपडेट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ ये है, YouTube जो शॉर्ट्स पे है, YouTube की जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उस पर मोनेटाइजेशन इनेबल होगा 1 फरवरी 2023 से, इस पर इम्प्लीमेंट होना हो जाएगा। मतलब कि अगर आप YouTube पे शॉर्ट्स बनाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन चाहे आपका 4000 घंटे वॉच टाइम से, या फिर 4000 घंटे वॉच टाइम प्लस आपके 1K सब्सक्राइबर के साथ आपका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन है, या फिर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यू YouTube शॉर्ट्स पे और 1000 सब्सक्राइबर अगर आपकी कंप्लीट और आपका चैनल मोनेटाइजेशन है, तो 1 फरवरी 2023 से आपका यहाँ पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। आपकी शॉर्ट्स पे वीडियो पे आपको एडवर्टाइजमेंट आएंगी और आपका उसका पैसा आपको मिलने लग जाएगा, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर मेन बात यह है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया 4000 घंटे 10 मिलियन व्यू आपकी YouTube शॉर्ट्स पे होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया, मेन चीज यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर 2022 से, मतलब जो पिछला महीना गया अक्टूबर 2022 से, जिनके YouTube शॉर्ट्स पे दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज और 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तो वो चैनल मोनेटाइजेशन के इनेबल के लिए वैलिडेट हो जाएगा और उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा, और 1 फरवरी से उसको वहां पर उस पर मोनेटाइजेशन, या बोल सकते हैं उस पर अर्निंग चालू हो जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, एज ऑफ अक्टूबर 2011 एलिजिबल शॉर्ट्स व्यू फॉर क्रिएटर नॉट इन यूएपी काउंट ओवर, जिनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में 10 मिलियन व्यू और 1000 सब्सक्राइबर का अगर जो भी हमारी एलिजिबिलिटी का, या बोल सकते हैं हमारा जो प्रोग्राम है उसको पूरा कर लेता है, तो उसका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला अपडेट यही था, या बोल सकते हैं यही मेन अपडेट था यहाँ पर। पूरे इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं दी गई थी, आप बोल सकते हैं सिर्फ दो ही चीज़ें दी, सबसे पहले कि YouTube प्रोग्राम की पॉलिसी को अपडेट करने वाले हैं, और साथ में आपका YouTube शॉर्ट्स वहाँ पर फरवरी में चालू होने वाला है, और साथ में अक्टूबर से आपका व्यू वहाँ पर काउंट हो जाएंगे YouTube शॉर्ट्स के। तो ये तीन नई चीज़ें यहाँ पर दी गई थी, और जैसी नई पॉलिसी अपडेट होगी जनवरी में, तो आपको एक जैसा कि अभी नोटिफिकेशन आया है वैसे ही सबको नोटिफिकेशन आएगा और आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, फिर बाद में आपकी कंटिन्यू अर्निंग वहाँ पर चलती रहेगी। यही नया अपडेट था YouTube की तरफ से, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, और ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों।